हरे भरे खेतों के अंदर होके हम जा रहे हैं, महेश्वर महादेव भोलेनाथ शिवलहरी। हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे हो? तो मंदिर पहुंच गए हम लोग। कितना खूबसूरत, कितना सुंदर नज़ारा है, क्योंकि भोलेनाथ हमेशा नज़ारों के बीच में ही विराजमान होते हैं। वो महेश्वर मंदिर देखिए, वो पुल है, ब्रिज बना हुआ है, इसके नीचे से हम जा, इसके ऊपर से जाते हैं, नीचे से गंगा मैया बहती है। मैंने पहले से बोल के ही वीडियो बनाया था। ये देखिए, ये पांडवों का बनाया हुआ है, ये मंदिर पांडवों ने बनाया था, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था तो मैंने डाला, तो कॉपीराइट था, तो मैंने डिलीट मार के फिर से बोल के बना रही हूँ। ये पांडवों ने खोद के बनाया था भोलेनाथ को, जब यहाँ पर अभिषेक करने के लिए पानी नहीं था तो इन्होंने हाथों से खोदा था। और आगे बढ़ते हैं, नंदी जी के दर्शन करते हैं, जो हमेशा भोलेनाथ की सेवा में एक टांग पे खड़े रहते हैं नंदी जी। 15 अगस्त गई है ना, इसलिए यहाँ पे सजावट भी कर रखी है, ये रंगोली बनाई है। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हमारे महाराज आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। देखो थोड़ी भीड़ भी है, ये देखिए भोलेनाथ के दर्शन कीजिए आप भी, सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भोलेनाथ। इनके जो सिर में उन्होंने पगड़ी बांधी है वो रुद्राक्ष की माला है, पूरी पूरी रुद्राक्ष है। दिव्य और भव्य मंदिर है। हमारे गांव से, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं ना, सासवड से बाहर है, मतलब गांव से थोड़ा सा दूर है, नज़दीक नहीं है, गांव में नहीं है। पहले जाने का प्रोग्राम नहीं था, फिर हमने प्रोग्राम बनाया। ये पीछे का है पूरा नज़ारा, देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जब भी कोई भी मंदिर में जाते हैं तो वो तो और भी सुंदर लगता है, क्योंकि हम वहाँ जाने के बाद सारी चिंताएँ भूल जाते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एक और यहाँ पे शिवलिंग है, ये देखिए उधर बैठने के लिए, ये देखिए एक और शिवलिंग है, भोलेनाथ विराजमान हुए। और ये देखिए, ऐसे लगते हैं कि अभी बोल के बातें करेंगे भोलेनाथ। तो वापस जा रहे हैं अभी हम घर पे, पहले गांव में जो मंदिर था वहीं जाने वाले थे, फिर गांव, फिर वहाँ आए, बाज़ार में आने के बाद पता चला नहीं नहीं थोड़ा उधर जाते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। ये प्रसाद है, प्रसाद ले रहे हैं हमारे महाराज, ये देखो प्रसाद है यहाँ पर। ये मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे मंदिर में जाना है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन मैं एक नारियल रखती हूँ हर पूर्णिमा को भोलेनाथ के मंदिर में, तो मुझे वापस मंदिर में जाना है। ये देखिए मैंने पूजा की है यहाँ पर, ये नारियल वगैरह सब पूजा की हमने, और बाहर आ गए गाड़ी के पास। ये बाहर बनाया हुआ है,
कुछ होगा पता नहीं, मुझे भी इस पर कुछ लिखा नहीं है। ये हमारी गाड़ी है तो हम छोटी गाड़ी पे ही आए, तो अभी हम जा रहे हैं घर। घर पे आ गए हैं, देखो घर पे आने के बाद तो बहुत जोरों की बारिश आई, बहुत ही जोरों की। मीनू यहाँ पर बैठी है, मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो अकेली रहती नहीं है घर में, कोई ना कोई चाहिए होता है घर में। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।